यार क्यों टाइम जाया कर रहे यार तुम भाई, खैर तो है यार, तुम सुकून से जीने नहीं दे रहे, सुकून से मरने तो दो। क्या है यार, 2 मिनट मरने के लिए आए हुए हो और क्या करने के लिए आ रहे? 22,000 तनख्वाह है, कुल्फी वाली फैक्ट्री में काम करता हूँ, गरीब बंदा हूँ मैं, पूरा महीना कमा के भी सिर्फ इनको दे दूँ ना, फिर भी मेरा बिल जो है नहीं भरा जाएगा, मीटर मेरा कट गया है। आज तक हमने सपोर्ट किया नून लीग को, मैं तो नून लीग का काउंसलर हूँ। मैंने नून लीग के काउंसलर हैं जी, बिल्कुल मैं काउंसलर हूँ। कितने से? मैं 2022 में मारा खत्म हुआ था जो बलदियाती हुआ था, इलेक्शन से पहले हम खुद कहते रहे कि 300 यूनिट फ्री होगा, अब कहते हैं कि IMF कह रहा है, IMF का लोग कह दे कि 200-300 यूनिट वालों को मार दो फिर हुकूमत मार देगी। पाकिस्तान में पंजाब में ये हो रहा है, जुल्म हो रहा है लोगों के साथ, हम तो सफ़ेद पोश लोग हैं कि जो हम सामना भी नहीं कर सकते, ना चोरी कर सकते हैं, अब खुदकशी करनी और क्या कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। हालात इतने बुरे हैं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि खासकर शहबाज शरीफ को और मरियम को कि बोंगियाँ न मारें, छोड़ दें, बस कर दें, ये बेवकूफ़ कब तक बनाएंगे, ये तो आवाम मर जाएगी, या तो फिर गरीब लोग इकट्ठे करें उनको मार दें, 200-300 यूनिट वालों को मार दें। घर जाते हैं क्या गुजरती है, बस ना पूछे, ये तो जब हम पे गुजरती है हमें पता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहकार टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। बिजली के बिलों की वजह से आवाम बड़ी परेशान है और इस वक्त हमें एक बंदे ने कॉल किया है कि यहां पर काफ़ी देर से एक लड़का जो है वो नौजवान रेल की पटरियों पर बैठा हुआ है, उसके हाथ में बिल भी है। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये कितनी देर से यहाँ पर बैठा हुआ है और इसका क्या मकसद यहाँ पर बैठने का, और देख सकते हैं कि इतनी गर्मी और इतनी धूप में ये नौजवान और उसके साथ 2-3 और भी जो है वो अफराद खड़े हैं, इनसे जानते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई। यार क्यों टाइम जाया कर रहे यार तुम भाई, खैर तो है यार, क्यों सुकून से जीने नहीं दे रहे, सुकून से मरने तो दो। क्या है यार, 2 मिनट मरने के लिए आए हुए हो और क्या करने के लिए आ रहे? क्या वजह है, ये क्या है, ये जो आवाम ने दी है, आवाम को दी है हुकूमत ने मरने के लिए, बस वही बिल है और क्या है, भरे। क्या मकसद है यहाँ बैठने का, क्या मकसद है इतनी देर से, कितनी देर से बैठे हुए यहाँ पे? जब मुझे आधा घंटा हो गया, ट्रेन नहीं आ रही, बस आने वाली है, बस जो होगा देखा। ट्रेन आने का क्या मकसद है, खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या करना है, जो हुकूमत ने किया आवाम के साथ सब यही कर रहे हैं। क्या हुआ है आपके साथ, ये आप देखें ना, मेरा 61,000 का बिल है, 61,390 रुपये 2 महीने का बिल है, अभी मेरी तनख्वाह 22,000 तनख्वाह है, कुल्फी वाली फैक्ट्री में काम करता हूँ, गरीब बंदा हूँ मैं, पूरा महीना कमा के भी सिर्फ इनको दे दूँ ना, फिर भी मेरा बिल जो है नहीं भरा जाएगा, मीटर मेरा कट गया है। घर जाएँ तो घर वाले वो उनकी बातें अलग हमें मार देती हैं, घर जान सके, मैं एक मोटरसाइकिल थी वो मैंने बेच दी है। तो यहाँ पे बैठने का क्या मकसद है, ये यहाँ पे बैठने से आपका ये काम हल हो जाएगा? तो कोई ऑप्शन भी तो दूसरा है नहीं ना, मैं जितना मतलब हुकूमत ने तंग करके रख दिए, जितनी महंगाई कर दी है, खासकर अभी 200 यूनिट पे 3,000 का बिल तो समझ आता है, 4,000 पे अभी 250 यूनिट हो जाए तो फिर ये 12,000 पे चला जाता है, ये कौन सा कानून है? देखने में तो आप काफ़ी समझदार लग रहे हैं, पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, तो ये काम आपको शोभा देता है भाई? शर्मिंदगी से क्या करें, एहतजाज करें, वहाँ पर लोग मारेंगे, पुलिस वाले मारेंगे, अब यहीं लोगों की बातें सुनते हैं, हम आज तक हमने सपोर्ट किया नून लीग को, मैं तो नून लीग का काउंसलर हूँ, मैंने नून लीग के काउंसलर हैं जी, बिल्कुल मैं काउंसलर हूँ। कितने अरसे से? मैं 2022 में मारा खत्म हुआ था जो बलदियाती हुआ था, तो अभी लोगों के काम करवाते रहे हैं, आज वो हमें लोग ताने भी देते हैं कि आपकी हुकूमत ने ये कर दिया वो कर दिया, तो हमने उनको नहीं बताते कि हमारा खुद का जाति मीटर कट गया है, इतनी परेशानी है, शर्मिंदगी अलग होती है। और शुरू से मैं बचपन से जो जब से ID कार्ड बना है नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, वोट देता हूँ उनको, सपोर्ट करता हूँ, जहाँ भी मरियम आए, हमजा आए मुल्तान में, जो भी आए उनको सपोर्ट करते हैं, वहाँ में लेके जाते हैं। आज ये हालात है कि मिनट पर यह टाइम आया है कि हम शर्मिंदगी की वजह से कोई ऑप्शन है नहीं, घर के मीटर कट गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट तो बहुत परेशानी है, अब तंग आके एक मोटरसाइकिल था वो बेचा 17,000 रुपये का, चाइना का था यूनाइटेड, फिर भी पूरे नहीं हो रहे, मांगे मूँगे दोस्तों से हर किसी के, अब ये निज़ाम चल रहा है, क्या करें, इसके अलावा कौन सा ऑप्शन है? अब इधर आए हैं, कोई बंदा आके इधर से पकड़ लेता है, कोई किसी को फ़ोन कर देता, सुकून से ना जीने दे रहे हैं ना मरने दे रहे हैं। नून लीग का हिस्सा भी रहे हैं उसके बावजूद भी आपके हालात दुरुस्त नहीं हुए। बस देखें, अब लोगों को ऐसे पागल हम बनाए खड़े हैं कि नून लीग ये कर देगी वो कर देगी, असल में ये पहले इलेक्शन से पहले हम खुद कहते रहे कि 300 यूनिट फ्री होगा, अब कहते हैं कि IMF कह रहा है, IMF का लोग कह दे कि 200-300 यूनिट वालों को मार दो फिर हुकूमत मार देगी, उनका कोई हल निकाले ना, ये कौन सा हल है कि आप IMF कह रहे हैं कि जी ये बिजली महंगी कर दो, ऊपर से कह रहे हैं आप मरियम कह रही कि 100 दिन का प्लान देख लो, हमने ये गाड़ी दे दी, हमने ये दे दिया वो दिया, क्या दिया, कुछ नहीं दिया, ये बिल थमा दिए, किसी भी जगह पे ये इतना रेट नहीं है जितना कि पाकिस्तान में पंजाब में ये हो रहा है, जुल्म हो रहा है लोगों के साथ, हम तो सफ़ेद पोश लोग हैं कि जो हम सामना भी नहीं कर सकते, ना चोरी कर सकते हैं, अब खुदकशी करनी और क्या कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं।
अब पूरा महीना कमा के भी इनको देते हैं फिर भी बिल पूरे नहीं हो रहे, अब गरीब बंदा कहाँ जाए। ये अब आपका जो बिल है कितना आया? 61,390 रुपये। अच्छा, तो इसको कैसे अदा किया जाएगा? बस अभी सोच के इधर आ गए कि अदा नहीं हो रहा, बड़ी कोशिश की कि अदा नहीं हो रहा, मीटर कट गया है, घर वाले की अलग बातें सुन रहे हैं, मोहल्ले वालों की अलग बातें सुन रहे हैं। कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? इधर 12 घंटे ड्यूटी करता हूं मैं। अच्छा, 12 घंटे में फिर कितनी अर्निंग होती है? तकरीबन 800 है, 50-60 किराया लग जाता है, 750 बचता है। अब वो अगर पूरा रखूँ फिर भी बिल पूरा नहीं होता। क्या कहेंगे आप गवर्नमेंट को, नून लीग की हुकूमत है, और जिस तरह से बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। रिसेंटली फैसलाबाद में भी जो है वो एक शख्स ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर दी है। भाई हालात इतने बुरे हैं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि खासकर शहबाज शरीफ को, मरियम को, कि बोंगियाँ न मारें, छोड़ दें, बस कर दें। ये बेवकूफ़ कब तक बनाएंगे कि नवाज शरीफ आ गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब 200 यूनिट तक कम अज़ कम आपको इतनी गैरत आनी चाहिए कि 300 यूनिट तक एक फिक्स कर दें कि इतना का यूनिट है। अब उसमें टैक्स देख लें, 4-8 हज़ार टैक्स टूक्स लगा लूँ कि दे देते आपको। ये कौन सा 200 यूनिट तक, 201 यूनिट का अलग बिल है, उसमें कौन सा एटम बम चला देते हैं गरीब लोग के? जो आखिरी 201 यूनिट है उसका 8,000 बिल है, जो 200 यूनिट है उसका 3,000 बिल है। ये कौन सी पॉलिसी है? और अशरफियों को आप लोग फ्री चलाएंगे, जिनकी लाखों रुपये तनख्वाह है उनको यूनिट बिजली फ्री है, और जिनकी 20-20 हज़ार तनख्वाह है उनको इतना इतना बिल दे रहे हैं। ये तो आवाम मर जाएगी, या तो फिर गरीब लोग इकट्ठे करें, उनको मार दें, 200-300 यूनिट वालों को मार दें, बकाया 500-700 वाले बिल भी देते रहेंगे, वो फ्री भी चलाते रहेंगे। बस इनको शर्म आना चाहिए, ये मैसेज दूंगा, इनको शर्म आना चाहिए। जो नहीं कर सकते फिर बोंगे भी ना मारें। बस इस टाइम मेरे ख्याल में खान की ज़रूरत है, वो कुछ करेगा, वरना ये मेरे ख्याल में खान पहले भी तो हुकूमत कर गया, उसकी हुकूमत में भी बस उसमें इतने बिल नहीं आते थे, जो भी था इतने बिल। मैं खुद आज तक खान को, बाकी चीज़ें तो महंगी थी, बाकी चीज़ें भी थी, लेकिन बिल ये मेन चीज़ है। इसके बगैर रह भी नहीं जाता, इतनी गर्मी में थोड़ी देर लाइट चले जाए तो मौत आने लग जाती है। बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं मेरे। कितनी उम्र के? 2.5 साल का बेटा है, 1 साल की बेटी है। तो वो गर्मी में ही? गर्मी में अब देखो, उनको उनका हाल देख के तो मैं इधर आया हूँ, अब क्या करूँ। तो जब घर जाते हैं क्या गुजरती है? बस ना पूछे, ये तो जब हम पे गुजरती है हमें पता है। जी नाज़रीन, तो ये नौजवान जो कि आखिरी ऑप्शन इसके पास था कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ, 60,000 से ज़्यादा का बिल आया इनका। और देखें कि नून लीग के ये काउंसलर हैं जो कि मोहल्ले के छोटे मोटे काम करवाने वाला ये शख्स आज इस तरह से तन्हा हो चुका है कि ना मोहल्लेदार इसका साथ दे रहे हैं, और ना ही नून लीग के जो रहनुमा थे, कारकुनान थे, वो भी इसे जो है वो तन्हा छोड़कर जा चुके हैं। और ये इस वक्त ये ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था कि ट्रेन आए और उसके नीचे मैं ख़ुदकुशी करके जो है वो अपनी जान दे दूं। तो ये देख सकते हैं किस तरह से रिसेंटली फैसलाबाद में भी ऐसा हुआ है। अब मुख्तलिफ शहरों में जो है वो ख़ुदकुशियाँ लोग कर रहे हैं मजबूरी के तहत, कि कोई और ऑप्शन नहीं होता, पैसे नहीं होते, बिल अदा नहीं कर सकते, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो है वो महंगी होती जा रही हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स पर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ अशकील चिश्ती को दे इजाज़त, और देखते रहें शाहकार टीवी।